Hey guys, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? तो इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वीडियोस की, है ना? आपने देखी वो सीरीज का ये है वीडियो नंबर 1 और हमारा टारगेट है 10 days 10 videos। ये तो देखते हैं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेट्स सी कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली वीडियोस में क्या होने वाला है, इंग्लिश का हमें कोई भी टॉपिक ले लेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स है उसके वोकैबुलरी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं नए वर्ड्स को ऐड करूँ अपने वोकैबुलरी में। अच्छा आइडिया था ना। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये तो सभी करते हैं, बट क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए ताकि मैं और आप हम साथ में याद कर पाए, इन वर्ड्स को लर्न कर पाए, है ना, अपने वोकैबुलरी में ऐड कर पाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टीचर। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, टीचर। देखो टीचर की स्पेलिंग क्या होती है, TEACHER, टीचर, ठीक है। टीचर में जो जो लेटर्स यूज हो रहे हैं उन लेटर्स से बेस्ट वर्ड कौन कौन सा हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने उसकी एक लिस्ट बनाई है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। आगे समझ में नहीं आएगा तो आगे समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। टीचर, टीचर में पहला लेटर कौन सा है, टी, ठीक है। टी, टी से हमारा शब्द होगा टेनेशियस। बोलिए मेरे साथ टेनेशियस। टेनेशियस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय व्यक्ति, ठीक है। मतलब ऐसा पर्सन जो आसानी से हार नहीं मानता है, ठीक है। अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप एंड नेवर स्टॉप्स ट्राइंग। आगे समझ, ओके। दूसरा वर्ड है ई, टी ई। ई से हमारा एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष कुशल व्यक्ति, ठीक है। वर्किंग इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे, वर्किंग इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। थर्ड लेटर है ए। ए से हमारा शब्द होगा अफेबल। अफेबल का मतलब होता है मिलनसार, अ सोशियबल पर्सन, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली पर्सन, ठीक है। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। कोई बात नहीं, बाकी के जो 4 लेटर्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, ओके। चलो बाय।